अच्छा जी, तो पाकिस्तान पहली वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे आप बायोमेट्रिक कनाडा में अगर आप देना चाह रहे हो, आपको रिक्वेस्ट आई है कनाडा एम्बेसी से VFS ग्लोबल पे जाएं और अपनी बायोमेट्रिक करवाएं, तो आपको दो बार जो है ना पेमेंट करनी पड़ती है, फीस जो है ना इनको पे करनी पड़ती है। एक बार तो कनेडियन डॉलर्स में इन द फॉर्म ऑफ जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो $85, और दूसरा PKR अकाउंट जो कि एजेंट माफिया वहाँ पर बैठा हुआ है उनको उनका मुँह बंद करने के लिए पाकिस्तानी रुपीज़ में जहाँ पे आप फंस जाएं उतनी पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं वो 15,000, 20,000 और इवन दो 60,000 से 70,000 रुपए पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक का जो है ना पे कर रहे हैं। इन्होंने कुछ किया ये था कि ऑलरेडी इन्होंने एडवांस में बुक कर ली हुई थी अपॉइंटमेंट, और फिर जो है ना जिनको रिक्वेस्ट आई हुई थी वो अगर ट्राई कर रहे थे बुक करने की तो वो बुक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई स्लॉट जो है ना अवेलेबल ही नहीं थी। स्लॉट ना अवेलेबल होने की वजह से आपको पता है बायोमेट्रिक की वैलिडिटी जो एक मंथ होती है, तो वो जेंट माफिया जो है ना इनोसेंट जो विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे थे, स्टडी वीजा और जो दूसरे एस्पायरेंट थे गैर कानूनी तौर पर उनसे रकम जो है ना ले रहे थे और अपॉइंटमेंट का गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए VFS ग्लोबल ने एक कदम जो अच्छा उठाया कि आप 1 सितंबर से लेकर ऑनवर्ड वही बंदा अपॉइंटमेंट बुक कर सके जिसको बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आई होगी और इसका जो वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 13 डेज होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एजेंट जो बायोमेट्रिक किस तरह बुक कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको सारी डिटेल A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना बताऊंगा। अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है कि हाउ टू बुक VFS कनाडा कनाडा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट पाकिस्तान 2030। अब मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाउ टू बुक VFS कनाडा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट इन पाकिस्तान 2023। आपने सर्च पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करते जाना है आपने। जब आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी ना VFS कनाडा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट पाकिस्तान 2023, आपने इस पे क्लिक करना है तो ये जो है ना ये इस लिंक पे आप ना पहुँच जाएंगे। तो ये सारी डिटेल मैं लिखी हुई हैं इसमें कि कैसे फ्रॉडिज्म का लोग जो है ना सामना कर रहे थे, आप वो पे कर रहे थे 60-80 PKR 1000, तो आपने इससे बिल्कुल बचना है क्योंकि आप ऑलरेडी जब आप वीज़ा फाइल करते हो आप $85 बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है वो पे कर चुकी होती हो, तो आपने सिर्फ वहाँ पे जाना है फिंगरप्रिंट देने होते हैं VFS में, जैसे ही आपने कोई फ़ीस नहीं पे करनी होती। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब अगर आप इमरजेंसी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं तो इसकी ये कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर आप इनको फुलफ़िल करते हैं तो आप डेफिनेटली विदाउट रेगुलर अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम के जो है ना बरक्स जा सकते हैं और ये बुक कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ना सितंबर, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि 1st से लागू हैं इन्होंने, आप पहले जो है ना सितंबर 1st से ऑनलाइन या इन पर्सन या फिर कॉल के थ्रू या फिर आप जो है ना ईमेल के थ्रू जो है ना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने सिस्टम जो है ना चेंज कर दिया फुली। तो आपने जो पहले बंदा इस फॉर्म को क्लिक करेगा फिल करेगा उसको डेफिनेटली 1st जो है ना प्रायोरिटी मिलेगी। तो आप इस सिस्टम के थ्रू जो आप अपडेटेड सिस्टम है आपके इन यानी कि अपॉइंटमेंट चेंज नहीं कर सकते, उसकी डेट भी और टाइमिंग भी, और वंस टाइम आप बुक कर सकते हैं उसको दोबारा आप रीचेंज नहीं कर सकते, ये सिंपल कह सकते हैं आप। आपने इस पे सारी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको गो थ्रू करें, उसके बाद आपने इस वेब फॉर्म को ना ये लिंक जो है ना आपको यहाँ पे ले जाएगा, आपने इस वेब फॉर्म पे क्लिक करना है और ये आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ये सारी डिटेल जो है ना पीछे इस वेबसाइट पे लिखी हुई हैं और यही सेम इन्होंने भी डिस्क्राइब किया है, तो आपने यहाँ पे आपने प्रोसीड कर देना है। तो मैं एक बात बता दूँ कि जब आप बायोमेट्रिक कन्फर्मेशन आपकी हो जाएगी ना तो आपको इस ईमेल के थ्रू रिसीव होगी आपकी टाइमिंग और लोकेशन, ये सारा कुछ सही होगा, आपका नेम भी उस पे लिखा होगा। तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो इसको आपने प्रोसीड का बटन जो है ना क्लिक कर देना है, और आप जो आपके इन यूज़ में है ना अपना मोबाइल नंबर पाकिस्तान में उसको यहाँ पे लिखना है, और ये जो टेक्स्ट है इसको सेम एज इट इज़ ही लिखना है। तो आपने गेट वन टाइम पासवर्ड जो है ना आपको एक ईमेल आ जाएगी, उस पे आपने पासवर्ड जो है ना
सेट कर देना है। तो आफ्टर कुछ टाइम आपको लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आपने बायोमेट्रिक जो है ना बुक कर लेनी है। और जब बुक कर लेंगे तो आपको इस तरह की ना आपकी टाइमिंग लिखी हुई होगी उस पर जो है बुकिंग की। आपने इसको ना अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, उसका प्रिंटर को आके वहाँ पे सीधा चले जाना है। आपने किसी को एजेंट को पैसे नहीं देने वहाँ पे जो बाहर खड़े होते हैं। जो आपकी अपॉइंटमेंट टाइमिंग होगी उससे थोड़ी देर पहले वहाँ पे चले जाएं और उनको ये जो है ना कन्फर्मेशन अपॉइंटमेंट का पेज और ईमेल जो आपको आई होगी वो आपने दिखानी है, और वो 5 से 10 मिनट लगेंगे आपका जो है ना ये प्रोसेस हो जाएगा। तो आपने किसी को 60-70,000 पाकिस्तानी रुपये में नहीं देने, अपने जो हार्ड वर्क की मनी है उसको सेव करें और दूसरों को भी जो आगाह करें, दोस्तों को जो इस प्रोसेस से गुजर रही है उनके साथ शेयर करके। थैंक यू सो मच।